स्टूडेंट्स अकाउंट्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस ग्रीवाल 2020 एडिशन का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 53 बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, अमित, विनीता और चारू। तो अमित, विनीता, हम यहाँ जो है सो स्ट्रक्चर बना करके रखे हैं। क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा जो है सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टाइम को बचाने के लिए आप लोगों को भी जैसे ही पता चल जाए कि क्या क्या करना है, फर्स्ट काम जो है सो स्ट्रक्चर बना लेना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और फटाफट फटाफट दोनों ही जगह जो है सो फिल करते जाइए। तो यहाँ पर मैं तीन पार्टनर हैं, तीन पार्टनर अमित, विनीता, चारू, तीनों का कैपिटल कितना है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। फटाक से भरिए बैलेंस बीडी में। अमित का कैपिटल 1 लाख, विनीता का 2 लाख और चारू का कैपिटल 3 लाख है। कैपिटल भर दिए, कैपिटल पर में इंटरेस्ट 5% है, तो इंटरेस्ट जब निकालेंगे कैपिटल पर में 5% है, तो 1 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 1 लाख का 5% निकालने का हमको जरूरत नहीं है, फिर भी जो है सो बतला दे रहे हैं, है ना। 1 लाख का जो है सो 5% कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख का 5% 5000 आ जाएगा। तो इसलिए मतलब छोटा छोटा चीज जो है सो दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो थोड़ा हार्ड है, उसको दिखा देना जरूरी है। इस सबको वहां लिखने से हम लोगों का क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना दिखाना जरूरी नहीं है, फटाक से जो है सो भर देना है। तो 1 लाख का जो है सो 5% 5000 हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 फटाक से दिखला देंगे यहां पर मैं 5000। 2 लाख का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का जो है सो आ जाएगा 10000, तो 10000 और 3 लाख का 15000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 15000, समझ गए, हम वहां नहीं लिखे, यहां पर मैं दिखला दी। अब इसी चीज को हम को यहां भी दिखलाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है, यहां भी फटाक से भर दीजिए, कितना 5000, 10000 विनीता का और जो है सो चारू का 15000, ज्यादा हो गया, 15000 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30000 हो गया। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट 5 लाख दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को दिखलाएंगे, प्रॉफिट 5 लाख। अब क्या निकालना है हम लोगों को, अब इसमें बताया है कि जो है सो सैलरी, सैलरी जो है सो दिया हुआ है 10000, अमित का सैलरी 10000 पर मंथ दिया हुआ है, तो 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का सैलरी निकाल लीजिए 10000, 10000 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 1,20,000 सैलरी हो गया अमित का, 1,20,000 सैलरी। हमको यहां भी कैपिटल अकाउंट में भी दिखाना होता है, तो सैलरी के जगह पर मैं जो है सो आप दिखा दीजिए 1,20,000 किसका सैलरी है, है ना, अमित का सैलरी है, तो अमित वाले में दिखाइए 1,20,000। इसी तरह से दोनों जगह फटाफट करते चलेंगे, सैलरी दे दिए। अब क्या दिखाना है, कमीशन, कमीशन है, कमीशन टू विनीता, विनीता का जो कमीशन है इसमें जो है सो कहा गया है कि आफ्टर डिडक्टिव कमीशन है, आफ्टर डिडक्टिव कमीशन 5%, किस पर में, तो प्रॉफिट पर में, प्रॉफिट जो हुआ, नेट प्रॉफिट जो हुआ है, उस नेट प्रॉफिट पर में जो है सो आफ्टर डिडक्शन 5% निकालना है। तो उसका फॉर्मूला जानते ही हैं, आफ्टर डिडक्शन रहता है तो क्या करते हैं कि हम लोग जो है सो 5 लाख नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट पर में हम लोगों को दिखलाना है, तो 5/100 कितना, 5,
ये हम लोगों का, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का जो है सो आ जाएगा कितना, 23,800। ये 23,810 रुपया आ जाएगा। तो इस 23,810 है ना रुपया को कहां कहां दिखा देना है, दोनों ही जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जाएगा और कमीशन आएगा 23,810 रुपया। ठीक है, यहां पर मैं भी दिखला दिए कैपिटल अकाउंट में दिखला दिए कमीशन, विनीता का कमीशन था और यहां भी जो है सो हमको विनीता का कमीशन दिखला देना है 23,810 रुपया। अब जनरल रीजन कहा गया है कि प्रॉफिट जो है 5,00,000 रुपया, इसका 10% इस पर में 10% जनरल रिजर्व में रखा जाएगा। तो 5,00,000 का 10% जब हम निकालेंगे जनरल रिजर्व तो कितना आ जाएगा, 5,00,000 का 10% 50,000 आ जाएगा। 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 50,000 रुपया। ठीक है, तो इस 50,000 को जो है सो हम यहां जनरल रिजर्व में सिर्फ एक ही जगह यहां आएगा, ये जो है सो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। अब इतना कर लेने के बाद में अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है सो निकाल लेना है। तो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, इंटरेस्ट दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन भी दे दिए, जनरल रिजर्व में भी रख लिए। तो अब देखना है कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था, 5,00,000। अब इस सारे को जो है सो ऐड कर लेंगे, सारे को ऐड करके 5,00,000 डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो 5,00,000 में से, इस 5,00,000 में से इस चारों अमाउंट को ऐड करेंगे। इस चारों अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो ये ऐड करके हम लोगों का जो है सो 2,23,810 रुपया आएगा। इस 2,810 रुपया को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तीनों ऐड करके, चारों ऐड करके कितना आ गया, 2,23,810। इसको जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2,76,190 रुपया। कितना आ जाएगा, 2,76,190। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग तीनों को इक्वल इक्वल दे देंगे। तो इसका 1/3 निकाल लेंगे, इच पार्टनर का आएगा 1/3। तो इसको जब 1/3 करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 92,063 रुपया। इस कुछ पैसा में भी आएगा तो 92,063 रुपया जो आया ये तीनों पार्टनर को जाएगा, अमित को, ये अमित का है, फिर जो है सो विनीत को भी जो है सो इतना ही जाएगा, और चारू है विनीता को और चारू को, है ना, चारू को जो है सो 1 रुपया ज्यादा दे देंगे। चारू छोटा है ठीक ना, 1 रुपया ज्यादा दे देंगे, क्यों, एडजस्ट करने के लिए, सबको जो है सो राउंड फिगर में लाने के लिए, नहीं तो सब में पैसा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर में जो है सो हम कहां दिखलाना है, यहां पर में दिखलाना है हम लोगों को 92,000 अमित का आएगा, 92,063 रुपया विनीता का भी जो है सो 92,063 और 92,000 इसको कर देंगे 64 राउंड फिगर में लाने के लिए, नहीं तो इसको भी 3 दे देंगे तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा 1 रुपया। यहां पर में जो है सो कैलकुलेशन में ये जो हम लोगों का है 2,76,190 उसमें जो है सो वह 90 नहीं होकर के 89 रुपया हो जाएगा, तो कैलकुलेशन नहीं मिला हम लोगों का, इसलिए उसको इक्वल कर लेंगे 76,100
90, ठीक है। अब दोनों साइड को जो है सो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख, 5 लाख आ जाएगा दोनों साइड में, हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसी अमाउंट को फिर ये अमाउंट कहां जाएगा, कैपिटल में भी जाएगा, कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना कितना आया, ए का अमित का 92,000, तिरसठ, फिर जो है सो यहां भी जो है सो 92,000, तिरसठ, और इसका आ गया 92,000, 92,064 रुपया। इसको जो है सो हम लोग टोटल कर लेंगे, तो टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 का 3, फिर जो है सो ये 6 आ गया, ये जो है सो 0 आ गया, ये हम लोगों का 7 हो गया, फिर 1 और यहां 3, तो 3,17,000, 3,17,063 रुपया। फिर इसको ऐड कर लेते हैं तो विनीता का आ गया 3 का 3 6 7, ये हो गया 8, फिर जो है सो यहां 3 2 5, फिर ये आ गया 2 और ये 3, 3,25,873 रुपया, ठीक है। अब चारू का ऐड करते हैं, चारू में देखते हैं कि जो है सो ये कितना आ गया, 4 6, ये आ गया 0, ये 7, ये 0 आ गया और ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4,07,064 रुपया, ठीक है। तो यही अमाउंट जो इस साइड में आया है, यहां तो खाली है, इस साइड में तो ड्राइंग वगैरह नहीं था, तो ड्राइंग नहीं था तो बैलेंस बीटी हो जाएगा, तो ये बीटी कहते हैं सीटी हो जाएगा, तो यही वाला अमाउंट यहां से यहां ला करके 3,17,063, तो यहां आ गया अमित में 3,17,063, फिर जो है सो 3,25,873, 3,25,873, और इसका आ गया 4,07,064। तो बस बैलेंस सीटी हो गया। अब इसको जो है सो हम लोग यहां भी उतार देंगे, 4,07,064, और यहां भी हो गया 7,38, इतना इतना, ठीक है। फिर यहां पर मैं 3,17,063 रुपया। इस तरह से हम लोगों का कैपिटल बैलेंस भी जो है सो निकल गया, तीनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस, यानी कि इस तीनों पार्टनर का कैपिटल अभी इतना इतना और इतना रुपया है, अभी फर्म में तीनों का कैपिटल इतना इतना था है, और जो पहले कितना था, 1,00,000, 2,00,000, अब 3,00,000 क्रमशः था। अब कितना हो गया इसका, 3,17,063 हो गया, जो कि 1,00,000 था पहले, इसका 2,00,000 रुपया था, अब कितना है, अभी फर्म में कितना है विनीता का, 3,25,873 रुपया। चारू का फर्म में पहले था 3,00,000, अब कितना है, ठीक है, साल के अंत में 4,07,064 रुपया है। ये बैलेंस इसी चीज को बैलेंस बीटी यही बतलाता है कि अभी साल के अंत में इसका कैपिटल जो है फर्म में इतना रुपया है। तो एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और 54 क्वेश्चन भी जो है सो हम बतलाने जा रहे हैं, ठीक है।